Hello friends, good evening. I welcome you all for this very interesting case discussion, right? So this case discussion is not from my practice. It is not which I have seen myself, but it is very interesting and therefore I wanted to share with you. तो आज हम एक बहुत अच्छी केस डिस्कस करेंगे जो मेरे ओपीडी में से नहीं है, मतलब मैंने नहीं देखी है, मैंने शेयर नहीं की है, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग केस लगी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि इसके साथ, ये केस के साथ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी कोई केस भी हो जो मेरी नहीं हो लेकिन आपके लिए काम की हो तो मैंने आपसे शेयर करना चाहिए, राइट? So I'll continue with most of the Hindi and some of the English. I'll continue both so that both of you, the English audience and the Hindi audience, understands it, right? जहाँ English की ज़रूरत है वहाँ मैं English ही use करूँगा because एकदम honestly बताओ आपको तो कुछ words का Hindi meaning हमें भी नहीं पता होता है because we are so habituated कि उसको English में ही बताना है, right? तो ऐसे कुछ words आएंगे जिसके बारे में मैं English में बोलूँगा, बाकी मैं Hindi में बोलूँगा। तो आज हमारा एक सेमिनार हुआ जिसके बारे में आप अगर जाएंगे नीचे तो कुछ लाइव गया था, मैं 2-3 बार लाइव गया उस सेमिनार में, शायद आप में से कुछ लोग लाइव के समय थे, कुछ लोगों ने वीडियोस बाद में देखा। इट वाज अमेजिंग सेमिनार, बहुत ही बढ़िया सेमिनार रहा। इट वाज वेरी हाउसफुल, मतलब कुछ लोगों को ऐसे कम से कम 4-5 लोग थे जिन्हें वापस जाना पड़ा, जगह ही नहीं थी। इट वाज सो हाउसफुल सेमिनार, सो थैंक्स टू एवरीबॉडी हु अटेंडेड दैट सेमिनार। कुछ लोगों को वापस जाना पड़ा, उनको कल बुलाया गया, कल एक सेमिनार था नागपुर में चिटनवे सेंटर में, तो वहां पे वो आने वाले हैं। सो इट वाज सच अ वंडरफुल इवेंट। तो उस सेमिनार में खास बात ये थी कि कुछ लोग, जैसे कुछ डॉक्टर्स भी थे उसमें, एक होम्योपैथी डॉक्टर थे मेरे जाने पहचान के डॉक्टर है, कुछ लोग रिपीट सेमिनार में से, तो पहले सेमिनार में से आए थे, कुछ मेरे रेगुलर पेशेंट्स थे जिन्हें मैंने कहा था कि आप जरूर आइए बिकॉज ये माइंड शिफ्टिंग होता है, सेमिनार माइंड चेंजिंग सेमिनार होता है, आपको नया पर्सपेक्टिव, नया नॉलेज मिलता है। और आखिर में क्या है, नॉलेज इज अ पावर। इफ यू गेट अ राइट नॉलेज यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, मतलब अगर सही नॉलेज आपको सही समय पर मिल गया तो आप आपका प्रेजेंट और भविष्य दोनों बदल सकते हैं। आई होप यू विल एग्री विथ मी, राइट? मिस्टर एन के पाटिल जी हेलो, मिस्टर विरल, धीरज आकाशे, श्वेता ज्वाइंड, सो आई वेलकम यू ऑल। तो ये केस थी, एक डॉक्टर साहब ने शेयर की। डॉक्टर साहब कहना था कि बीच में मेरे पास एक 3 महीने पहले एक पेशेंट आया था, 3 महीने पहले। तो 3 महीने पहले पेशेंट आया था, उसने कहा कि सर मुझे पीठ में कहीं पे एक बड़ा, इतना बड़ा एब्सेस हुआ है, मतलब उसमें पस भरा है। तो उसमें सुई डाल के उसको टेस्ट किया गया, उसका जब हिस्टोपैथोलॉजी किया गया तो हिस्टोपैथोलॉजी में उसका कैंसर साबित हुआ। अब देखिए हिस्टोपैथोलॉजी का मुझे नहीं पता कि हिंदी में क्या बोलना है, हम बोलेंगे पैथोलॉजी में टेस्ट किया, राइट? पैथोलॉजी इज अगेन इंग्लिश एंड हिंदी कॉम्बिनेशन वर्ड। तो इसका टेस्ट हुआ पैथोलॉजी लैब में और वो एब्सेस में कैंसर निकला। अब वो एब्सेस में कैंसर निकला तो उसने काफी जगह गया क्या करना चाहिए, सबने उसे कीमोथेरेपी बताई, रेडियोथेरेपी बताई, उसने कहीं कीमोथेरेपी की लेकिन शायद पूरा नहीं किया तो उसको फायदा नहीं हुआ। देन वो एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला कि मुझे ये ट्यूमर के गठन की ट्रीटमेंट चाहिए, इसका इलाज करना है, इसको खत्म कर दो। डॉक्टर ने कहा कि देखिए आप गठन का इलाज मत कीजिए, आप बीमारी का इलाज कीजिए, गठन अपने आप चले जाएगी, राइट? मतलब आप उस व्यक्ति का इलाज कीजिए जिसको कैंसर है, न कि वो गठन का। तो अगर वो व्यक्ति का इलाज करेंगे तो व्यक्ति ठीक हो गया, पर्सन ठीक हो गया, इम्यूनिटी ठीक हो गई, अंदर से डिफेंस सिस्टम ठीक हो गया, तो जो एब्सेस है, सूजन है, वो धीरे 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 अपने आप गायब हो जाएगी या फट के पस निकल जाएगा, नॉर्मल हीलिंग हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मुझे मेरा इलाज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उस गठान को कम करना है। अब ये बड़ा खतरनाक हो सकता है सिर्फ गठान का इलाज करना, क्योंकि जब बॉडी ने वो गठान को पैदा किया है, बॉडी ने गठान को तैयार किया है, उसका कुछ ना कुछ कारण अंदर होगा, कोई ना कोई रीजन होगा ना, तो गठान क्यों बनेगी बॉडी में? तो जो भी रीजन है अंदर, वो अंदर बैठा हुआ शांत है बिकॉज उसने गठान को तैयार कर दिया और अब वो शांत कर दिया। अब जब गठान का इलाज करेंगे तो वो दूसरे किसी फॉर्म में बीमारी को आगे लाने की कोशिश करेगा, जैसे कि
मैंने कुछ केसेस शेयर की थी कि नाक में ट्यूमर था वो काट दिया, दूसरा ट्यूमर आया वो काट दिया, तीसरा ट्यूमर आया वो भी काट दिया, चौथा ट्यूमर आया, बिकॉज ट्यूमर तैयार करने वाले कारण तो अंदर बैठे हैं। तो डॉक्टर ने ऐसे समझाया कि आप कारण का इलाज कीजिए, न कि सिर्फ गठान का, नहीं तो वापस आएगा। उनका नहीं नहीं मैं आपसे इलाज नहीं करूंगा, ठीक है ओके। फिर वो किसी और डॉक्टर के पास गए, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं कहाँ गए, तो नाम बताने का सवाल नहीं उठता। बट वो यहीं पे फिर 2 महीने बाद मिले तो बोले कि सर गठान मेरी बहुत कम हो गई। डॉक्टर का अच्छा चलो कम हो गया, आपको कम चाहिए थी। 2 महीने बाद जब पता चला कि गठान कम हो गई, ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बेहद खुश थे कि मेरी गठान कम हो गई। और देखिए उन्होंने फिर डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो देखा कि वो हार्डली 20% बची होगी, 80% गठान कम हो गई थी। सो पेशेंट को जो चीज मिल गया गठान कम हो गई। अब जी गठान जब कम हो गई और पेशेंट बहुत खुश है तो हमारे लिए सोचने की बात है कि गठान कम हुई अंदर के कारण वैसी है, तो कारण वो तो शांति से बैठेंगे नहीं, जो भी कारण है क्या वो शांति से बैठेंगे? सोच के देखिए, आपने सपोज कीमोथेरेपी से वो गठान को ट्यूमर को कम कर दिया, चला दिया 20% बची, लेकिन वो गठान को तैयार करने वाले कारण क्या शांत बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, अभी वो शांत थे क्योंकि उन्होंने ट्यूमर तैयार कर दिया था, उनको वो सेटिस्फाइड थे, उनको जगह मिल गई थी रहने के लिए। अभी आपने ट्यूमर गायब कर दिया, जो जो भी इलाज से किया, सेल जला के किया, कीमो से किया, लेकिन अब ये बीमारी को कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेशन देना है। 2 महीने बाद एकदम सही थे, 20% कम हुआ और कम हुआ, मतलब 20% बचा था, बाद में 90% कम हो गया, 10% बचा था। फाइनली पता चला कि पीठ की गठान कम हो गई, पीठ की गठान कम हो गई और पेट में एक उससे बड़ी गठान आई। 3 महीने बाद पीठ की गठान कम हो गई, सपोज इतनी थी साइज, पेट की गठान जो है इसका इतना साइज था। मुझे बताइए कौन सा बेहतर है? वैसे दोनों बेहतर नहीं, दोनों अच्छा नहीं है, गठान तो गठान है, कैंसर तो कैंसर है, लेकिन पहली वाली गठान एक बीमारी ने तैयार की थी, दूसरी वाली गठान हमने तैयार की है इंटरफेरेंस करके, इम्यूनिटी से छेड़छाड़ करके, ये ज्यादा डेंजरस है। सो 2 महीने पहले 80% कम था, 3 महीने फिर 90% कम हो गया, बाद में पेट में गठान आ गई और आज पता चला उनकी डेथ हो गई, ही डाइड। अब क्यों उनकी डेथ क्यों हुई? यहां से गठान तो कम हो गई थी, फिर उनकी डेथ क्यों हुई? आइडियली गठान कम होना मतलब बीमारी कम होना होना चाहिए, राइट? लेकिन यहां पर गठान कम होना मतलब सिर्फ गठान कम होना था, एक्चुअल अंदरूनी बीमारी का इलाज ही नहीं हुआ था। दिस इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। चलिए एक और मैं केस बताऊं, अगेन आज के सेमिनार से, बहुत अमेजिंग ऑडियंस था, इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ, हमने कुछ एक्टिविटीज की उनके साथ, जहां उनको एक्टिविटी में ये बताया कि माइंड कैसा आपके बॉडी को कंट्रोल करता है, एग्जैक्टली आप किस तरह से माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ये हमने एक्टिविटीज के द्वारा बताया। तो एक और शेयरिंग आया, जो एक पेशेंट है वहां पर, वो पेशेंट का कैंसर था, राइट? कैंसर में कीमो हो गया, रेडियो हो गया, मतलब कम हो गया वापस आ गया। एक समय डॉक्टर ने कह दिया उनको कि आप ठीक नहीं हो सकते, इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे ऐसे कहा गया कि आप ठीक नहीं हो सकते, इसका कोई इलाज नहीं है, पेशेंट बहुत नर्वस हो गया, डिप्रेस हो गया। अब जैसे कि आप एग्री करेंगे कि कैंसर में अगर कोई नर्वस और डिप्रेस होता है तो बीमारी और तेजी से अटैक करती है, बीमारी तेजी से बढ़ने लगी। बट उन्हें कोई एक उनका फ्रेंड मिला जिसपे उसको बहुत भरोसा था, उसने कहा कि एक काम करो, डॉक्टर ने बोल दिया कुछ नहीं हो सकता, ये फॉलो करो वो फॉलो करो, 3-4 चीजें दे दी, घरेलू चीजें, भरोसा था, 3-4 चीजें थी। जैसे ही भरोसे के साथ वो चीजों को अपनाया, फेथ आ गया, जैसे ही फेथ आ गया पूरी न्यूरोलॉजी चेंज हो गई, बॉडी चेंज हो गई अंदर से, बिकॉज अब एक फेथ था, इसने जो दवा दी मैं ठीक हो जाऊंगा, राइट? अब आप कहेंगे सर फेथ से ठीक हो गया? बिल्कुल नहीं, उसने डाइट पे वर्क किया, उसने ये और एक दो लोगों से मिली, मेरा ट्रीटमेंट नहीं लिया, लेट मी बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू। तो उसने ये सब वर्क किया और धीरे धीरे कैंसर रिवर्स होने लगा। अब आप कहेंगे क्या ये पॉसिबल है? जो वीडियो लाइव हुआ है उसमें शायद उनका उनका भी वीडियो होगा,
तो ये पॉसिबल है, आज की बात है जो मैंने नहीं बताई, मैंने सुनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज का पेशेंट, एक और पेशेंट डायबिटीज, उसने कहा डॉक्टर ने कहा था लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, मैंने सोचा कि कुछ और करके देखते हैं, कुछ और में उसने सारा कुछ किया, माइंड को शिफ्ट किया, डाइट पे वर्क किया, एक्सरसाइज शुरू की और होम्योपैथिक मेडिसिन से कुछ, ये सब करने के बाद आज उनको डायबिटीज भी नहीं, ब्लड प्रेशर भी नहीं। अभी उन्होंने मेरे वर्कशॉप में रजिस्टर किया है, उनका उनको जैसे मैंने बताया, उनका सर में पूरा विश्वास करता है इस बात पे, ये होता है गोलियों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, गोलियां जरूर लेना चाहिए लेकिन ये जान कर लेना चाहिए कि गोलियां किस काम के लिए है। वो गोलियां आपके रिपोर्ट्स और रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए है, न कि इलाज के लिए। ये इलाज नहीं है, ये सिर्फ कंट्रोल का मेडिसिन है जो जरूरी है, अपने आप में लेना चाहिए। लेकिन कब तक, क्या आप जिंदगी में कंट्रोल करेंगे? नो, जिंदगी में कंट्रोल करना कोई सेंस नहीं बनता, राइट? कभी ना कभी हमें इसे एक्सप्रेस करना जरूरी है, राइट? तो अब मैंने आपको दो केसेस बताया जो कैंसर के थे, एक सिर्फ ट्यूमर के पीछे भागा, उसकी डेथ हो गई, दूसरा अपने बाकी रिसोर्सेस को यूज किया, माइंड को यूज किया, इम्यूनिटी को यूज किया, डिफेंस सिस्टम को यूज किया, जेनेटिक्स को यूज किया एंड वो कैंसर से क्योर हो गया। तीसरा डायबिटीज, ये अगेन मेरे सेमिनार में आया था, आज ही के सेमिनार में, वो डायबिटीज से क्योर हो गया, ब्लड प्रेशर से क्योर होगा। मैं पूछता हूं, जब वो क्योर हो गए तो आप क्यों नहीं हो सकते? राइट मेडिसिन मिलना चाहिए, राइट माइंडसेट आना चाहिए और जीन्स का राइट प्रोग्रामिंग होना चाहिए, और ये तीनों चीजें हम अपने वर्कशॉप में ऑफर करते हैं, राइट? अच्छा, सकीना काठोरन ज्वाइन किया, हेलो। मनीषा बाकरे नमस्कार। मिस्टर एन के पाटिल सेज कीमोथेरेपी द फाइनल लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। नो, कीमोथेरेपी इज एक्चुअली द बेसिक लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। गुड क्वेश्चन। कीमोथेरेपी एक बेसिक ट्रीटमेंट है जो WHO ने प्रोटोकॉल दिया है, उस हिसाब से की गई है, गो विथ इट, बट डोंट डिपेंड ऑन इट। करना चाहिए आपको, कैंसर हुआ है कीमोथेरेपी ना करो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। अभी हाँ, मेरे सामने कोई पेशेंट आता है, कुछ लोगों में मना कर देता हूँ, कुछ तो बोलता हूँ कि आपको करना चाहिए, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन मेरा कहना यह है कैंसर क्यूरेबल है, ये दिमाग में फिट कर लीजिए सबसे पहले और आप उस ट्रीटमेंट का हिस्सा बनिए, क्योंकि आप तो बीमारी का हिस्सा थे, बाय डिफॉल्ट बीमारी आप ही को है, आपकी फिजियोलॉजी बीमारी का हिस्सा थी, आपका माइंड ब्रेन एंड न्यूरोलॉजी भी बीमारी का हिस्सा थी। तो आप अगर बीमारी का हिस्सा है, आपकी न्यूरोलॉजी बीमारी में इन्वॉल्व है, आपकी फिजियोलॉजी बीमारी में इन्वॉल्व है, आपकी साइकोलॉजी बीमारी में इन्वॉल्व है, ये सब ट्रीटमेंट में क्यों इन्वॉल्व नहीं है? ट्रीटमेंट में सिर्फ गोलियां, इट नेवर वर्क। तो आपकी साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व कीजिए, और जो हम जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग और माइंड रीप्रोग्रामिंग करते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, ये सारे सिस्टम को आपके, ये सारे सिस्टम को आपके ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करना है, राइट? अगर सोचिए, आपके ट्रीटमेंट में आपकी साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, न्यूरोलॉजी इन्वॉल्व है, फिजियोलॉजी इन्वॉल्व है, आप पूरे इन्वॉल्व है ट्रीटमेंट में, तो मेडिसिन ज्यादा बेहतर रिजल्ट दिखाएगी, राइट? अब मैं छोटा सा, छोटे से कोट के साथ बोलता हूँ, अगर हम वही करते रहे जो करते आए हैं तो वही होता रहेगा जो होता आया है, कोई ठीक नहीं हो रहा है, तो सेम मत कीजिए, दूसरा खुद की कुछ कीजिए। और मेरे ख्याल से बहुत सिंपल बात है, जो चीजें बीमारी को पैदा करने में इन्वॉल्व थी, उन्हीं चीजों को बीमारी को सॉल्व करने में इन्वॉल्व कीजिए, दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सिंपल। जैसे कि ये बिल्डिंग में अगर कहीं पर लीकेज और सीपेज हुआ है तो मैं नहीं करूंगा, या मैं तीसरे चौथे प्लम्बर को नहीं बुलाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा वही आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर या प्लम्बर को कॉन्ट्रैक्ट दूं जिन्होंने इसको बनाया है, जिन्होंने मिलके इस पूरी बिल्डिंग को बनाया है, वो मिलके इस बिल्डिंग के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल। वैसे ही जिन्होंने मिलके इस बीमारी को तैयार किया है, वही सब मिलके इस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, बशर्ते कि हम इनको यूज करें प्रॉपरली, राइट?
proper techniques, proper medicine, proper methods. और इन्हीं proper methods और proper techniques पे हमारा seminar होता है, workshop होता है. It was a wonderful, houseful seminar today. कल भी शायद ऐसे ही houseful रहेगा. And अगर आप में से किसी को भी आना है या भेजना है, तो कोशिश कीजिएगा कि जल्दी आए. 9 बजे registration start होता है, 10:15 बजे gate खुलता है, 10 बजे seminar start होता है. आप जितना जल्दी आएंगे, आपको अच्छी सीट मिलेगी and अच्छा knowledge मिलेगा. Right? Any more questions today? चलो, no more questions. Okay, चलिए मैं एक और केस शेयर करता हूँ आपसे. अभी आपसे बात करने के 5 मिनट्स पहले की बात है, right? एक पेशेंट मेरे पास है, उन्होंने कहा सर मैं 10 साल से साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहा हूँ. कितने साल से? 10 साल से. मैंने किस चीज के लिए? उन्होंने सेमिनार में हाथ उठा के क्वेश्चन पूछा था. मैंने कहा कि मैं पर्सनली बात करूंगा आपसे. बोले 10 साल से मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ. रिजल्ट क्या है? गोली 1 से शुरू हुई थी, आज बढ़ के 4-5 हो गई है. एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, बट 4-5 गोली ले रहे हो. तो बोले अगर ये 4-5 मेडिसिन जो है मुझे छोड़ना है तो क्या करना होगा? बहुत सिंपल आंसर है, जो करते आए हैं वो छोड़ के कुछ तो भी करो. गोली बंद मत कीजिए, लेकिन वही करते रहेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा. आई होप यू एग्री. वही करते रहे रिजल्ट विल बी 0. 10 साल से करते हैं और 10 साल कर लेंगे, 2 गोली और बढ़ेगी. मैंने कहा कि अगर आपको रिजल्ट अलग चाहिए तो कोशिश अलग कीजिए. ये आप सबके लिए उतनी ही सटीक बैठती है. आप जो भी करना चाहते हैं उसका प्रोसीजर को चेंज कीजिए, अप्रोच को चेंज कीजिए, तरीकों को चेंज कीजिए, रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाएंगे. राइट? So, my dear friends, thank you for being live here. It's just 20 minutes. Can I continue? Shall I continue or stop? चलिए देखते हैं आपका जवाब क्या आता है. अगर आप कहते हैं continue तो we'll continue. नहीं तो हम stop कर देंगे. चलिए एक और मैं बहुत अच्छी चीज बताया था आपको, जो आज ही के इवेंट में हुआ डिस्कशन. जैसे मैं बताता हूँ हर बार कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये अगर स्ट्रेस की वजह से आ रहा है, जो कि आई होप एवरीबडी विल एग्री कि स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज आता है, स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक होता है, तो फिर स्ट्रेस को हटाइए, स्ट्रेस को डील कीजिए, बार बार स्ट्रेस आने की टेंडेंसी को डील कीजिए. इसकी भी मेडिसिन आती है. लोग कहते हैं कि स्वभाव की दवा नहीं होती, होती है, दवा आती है. इसे आप मेडिसिन से क्यों नहीं रिमूव करते? सोचेंगे क्या सर, हमने तो सुना था स्वभाव की दवा नहीं आती. मराठी में लोग बोलते हैं स्वभावला औषध नस्त, है ना? बट ये इंफॉर्मेशन कंप्लीटली रॉन्ग है. कोई अगर सही होम्योपैथ मिलता है आपको, उसके पास आपके स्वभाव की दवा है. कोई अगर राइट काइंड ऑफ मेडिसिन देने वाला होम्योपैथ मिलता है तो उसके पास आपके साइकोलॉजी को चेंज करने की दवा है, फिजियोलॉजी को चेंज करने की दवा है, न्यूरोलॉजी को चेंज करने की दवा है, आपके पूरे अंदरूनी सिस्टम को चेंज करने की दवा. तो एक अच्छा डॉक्टर आपकी कंप्लीट लाइफ को अलग दिशा दे सकता है. जनरली हम अपने कंप्लीट लाइफ को गलत दिशा देते हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए. एंड अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ वैसे ही रहेगी जैसे होते ही सबकी लाइफ. अगर आपको लाइफ अलग चाहिए, बहुत सिंपल है, तरीका बदलिए. राइट? जैसे मुझे सेमिनार में कहा सर ये तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है. भाई बोला बीमारी तैयार आपने की है, साइकोलॉजी आपकी थी, न्यूरोलॉजी आपकी थी, आदतें आपकी खराब थी, सब आपकी खराब थी. राइट? डॉक्टर आपको हेल्प कर सकते हैं. डॉक्टर आपके डॉक्टर को गोली दे रहे हैं. राइट? आपके डॉक्टर गोली दे रहे, दवा दे रहे, इंस्ट्रक्शन दे रहे, आप कितना फॉलो कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ने बोल दिया आपको कि ये आदतें छोड़ दो, क्या आपने आदतें छोड़ी? आदतें नहीं छोड़ेंगे तो बीमारी कैसे ठीक होगी? So, पूरी तरह डॉक्टर नहीं कर सकते, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा. राइट? लेट्स सी सम क्वेश्चंस आर देयर. मिस्टर एनके पटेल सेज प्लीज कंटिन्यू. या मिस्टर एनके पटेल, तुम्हें दर्द दिया अब तुम्हें दवा देना, मतलब ये तो किसी पिक्चर का डायलॉग हो गया. पिक्चर में कहते हैं ना, हे भगवान दर्द भी तुमने दिया है, दवा भी तुम दो. राइट? लेकिन ऐसा ही कुछ है.
बीमारी को तैयार करने में हमारा कंट्रीब्यूशन था, बीमारी को ठीक करने में भी हमारा कंट्रीब्यूशन चाहिए। इसलिए हम सेमिनार जो लेते हैं उसमें कहते हैं कि जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। जो भी रीसेंट लेटेस्ट टेक्निक्स है, जो भी मॉडर्न मेथड्स है माइंड के और जीन के रीप्रोग्रामिंग करने के, हम हमारी टीम एक्सपर्ट होके बैठी है आपके लिए। लेकिन क्या आप जिम्मेदारी लेने के तैयार हैं? क्या आप कोशिश करेंगे? आप दो कदम उठाए, आप एक कदम उठाए हम दो उठाएंगे, आप दो उठाए हम चार उठाएंगे, लेकिन एक कदम तो आपको बढ़ाना होगा, राइट? सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू बी लाइव। और ये लाइव से मैं जहां तक हो सके कोशिश करता हूँ आपके साथ बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ, जो आपके लिए काम की है ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसी को आप आगे शेयर कीजिए। आज मैंने शॉर्ट में चार केसेस के बारे में डिस्कस किया, ताकि आपको एक शॉर्ट में आइडिया है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बीमारी को ट्रीट नहीं करना चाहिए, पर्सन को करना चाहिए। एक लक्षण को इलाज नहीं करना चाहिए, लक्षण के कॉज को इलाज करना चाहिए। तो ये मैंने ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको बताने की कोशिश की, और ये सारा मैंने हमेशा आज तक अपना नॉलेज दिया। आज मैंने आपको सक्सेसफुल पेशेंट्स का नॉलेज दिया, तो मैं चाहता हूँ ये पेशेंट जिसका नॉलेज दिया मैंने आपको, ये आपको इंस्पायर करे, ये आपको लर्निंग्स दे, ये आपको कुछ समझाए कि अगर आपने डिसाइड कर लिया, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अगर आपने डिसाइड कर लिया तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं है, चाहे वो हेल्थ का गोल हो या लाइफ का गोल हो, राइट? सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, गुड नाइट। कल संडे है, कल हमारा जो सेमिनार नागपुर का, मैं लाइव रहूंगा काफी बार 10 से 1 के बीच में। ज्वाइन विथ मी, बी लाइव। किसी को अगर भेजना चाहते हैं तो चिटनी सेंटर में कल सुबह 9 बजे भेज दीजिए। 9 बजे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, 10 बजे सेमिनार स्टार्ट होगा, 1 बजे सेमिनार खत्म हो जाएगा, राइट? सो थैंक यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।